अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी बार नमोकार मंत्र पढ़ लें हाँ तो हम लोग पढ़ रहे थे है ना मल्लीनाथ भगवान का मुनि सुव्रतनाथ भगवान का हमारा चरित्र पूरा हुआ था उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं रा, राम और लक्ष्मण जी है ना नारायण और बलभद्र की कहानी और उसी के कहानी के अंतर्गत चलते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से बलि प्रथा स्टार्ट हुई ठीक है तो जो पर्वत नारद और वसु राजा है ना उनकी कहानी हम सब हम सब देख रहे थे तो उसी में ही जब उन दोनों के बीच में विवाद हुआ नारद और पर्वत के बीच में राइट तो सबने बोला कि ठीक है हम राजा वसु के पास चलते हैं वो बहुत न्यायप्रिय राजा है वो जरूर सही गलत की बात बताएगा ठीक है तो ये दोनों जाते हैं उसके पास और वहीं से आगे कब देखते हैं क्या होता है वहां पर पर्वत के द्वारा कही हुई यह सब यह सब जब उसकी माता ने जाना कि दोनों के बीच में विवाद हो रहा है तो माता को पता चला जब तब वह पर्वत को साथ लेकर राजा वसु के पास गई समय से पहले ही विवाद की बात वहां तक पहुंचे उससे पहले ही वो पर राजा के पास गई और राजा वसु के दर्शन कर कहने लगी कि यह निर्धन पर्वत तपोवन के लिए जाते समय तुम्हारे गुरु गुरु ने तुम्हारे लिए सौंपा था आज तुम्हारी अध्यक्षता में यहाँ नारद के साथ विवाद होगा यदि कदाचित उस वाद में इसकी पराजय हो गई तो फिर यमराज का मुख ही इसका शरण होगा अन्य कुछ नहीं यदि तुम निश्चित समझ लो इस प्रकार यह तुम निश्चित समझ लो इस प्रकार पर्वत की माता ने राजा वसु से कहा राजा वसु गुरु की सेवा करना चाहता था अतः बड़े आदर से बोला कि हे मां इस विषय में तुम कुछ भी शंका न करो मैं पर्वत की ही विजय कराऊंगा इस तरह कहकर उसने पर्वत की माँ का भय दूर कर दिया ठीक है दूसरे दिन राजा वसु आकाश स्फटिक के पायों से खड़े हुए तो जो राजा वसु था उसका सिंहासन स्फटिक मणि से बना था ट्रांसपेरेंट बिल्कुल तो दिखाई भी नहीं देता तो, तो ऐसा लगता था जैसे अधर में ही लटका है तो इसलिए स्पेशल उसको बता रहे हैं आकाश फटिक के पायों से खड़े हुए सिंहासन पर आरूढ़ होकर आरूढ़ मतलब बैठे बैठना सिंहासन पर आरूढ़ होकर सब राज्यसभा में विराज उसी समय वे सब विश्वभू मंत्री आदि राज्यसभा सभा में पहुंचकर पूछने लगे कि आपसे पहले भी अहिंसा आदि धर्म की रक्षा करने में तत्पर रहने वाला हिमगिरी महागिरी समगिरी और वसुगिरी नाम के चार हरिवंशी राजा हो गए हैं इन सबके अतीत होने पर यानी इन सबके चले जाने पर महाराज हुए, जो कि राजा वसु के पिता थे। और उनके बाद अहिंसा धर्म की रक्षा करने वाले आप हुए हैं आप ही सत्यवादी हैं। इस प्रकार तीनों लोकों में प्रसिद्ध है किसी भी दशा में संदेह होने पर आप विष अग्नि और तुला के समान हैं मतलब ये जो तीन चीजें हैं ये संदेह के समय यूज होती हैं परीक्षा में अम्म ये थोड़ा सा जानकारी पहले के उसमें मिलती है लेकिन अभी कैसे वो यूज करते होंगे उसका इसके बारे में मुझे नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन है लेकिन राजा लोग पहले विष अग्नि और तुला को यूज करते थे जैसे क्षत्रिय है, तो है, तो है, तो है तो तुला के से कर लिया विष है तो ब्राह्मण के लिए और क्षत्रिय है तो अग्नि और वैश्य है तो तुला ठीक है इस तरह से आ, उनकी परीक्षा लिया करते थे तो हे स्वामिन हाँ रीटा जी आपने हाथ उठाया आई एम नॉट श्योर तुला का मीनिंग क्या होता है तुला इज नापने वाला तोलने वाला ठीक oh, okay. है थैंक यू हे स्वामिन आप ही विश्वास उत्पन्न करने वाले हैं अतः हम लोगों का संचय दूर कीजिए नारद ने अहिंसा लक्षण धर्म बतलाया है और पर्वत इससे विपरीत कहता है अर्थात हिंसा को धर्म बतलाता है अब उपाध्याय यानी गुरु महाराज का जैसा उपदेश हो वैसा आप कहिए इस प्रकार सब लोगों ने राजा वसु से कहा राजा वसु यद्यपि आप भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म तत्व को जानता था मतलब कि सही क्या है उसे पता था तथापि गुरु पत्नी, गुरु पत्नी मतलब पर्वत की माता गुरु पत्नी उससे पहले ही प्रार्थना कर चुकी थी इसके सिवाय वह महाकाल के द्वारा उत्पादित महामोह से युक्त था महाकाल नाम का जो असुर था उससे भी महामोह से युक्त था मतलब उसने उसको कवर जैसे होता है ना महामोह से उसको अः आच्छादित या कवर करके रखा था ठीक है कि आ, जब यज्ञ हो रहा था तो उसने क्या दिखा दिया राजा सगर और उसकी पत्नी और वो सब क्या है आ, स्वर्ग में गए हैं है ना इस तरह से उसने दूर से दिखाया तो इस तरह से उसको लग रहा था कि जो है है थोड़ा सच भी हो सकता है। और फिर और भी बहुत सारी चीजें इसमें निमित्त बनी क्या कि दुष्मा नामक पंचम काल की सीमा निकट थी वैसे तो ये चतुर्थ काल चल रहा था वहां पर लेकिन निकट थी ऐसा कह रहे हैं और वह स्वयं नंद रूप रौद्र ध्यान में तत्पर था नंद रूप रौद्र ध्यान मतलब खूब सामान इकट्ठा कर ले ऐसा राजा जिसपे बहुत सामान रहता ही है उसे अपने सामान के परिग्रह या इकट्ठा करा हुआ जो सामान है परिकर है राज्य है संपत्ति है उसमें आनंद मान रहा था वो तो उसे कुछ भी ध्यान नहीं था कि वो कर क्या रहा है तो रौद्र ध्यान में तत्परता अत कहने लगा कि जो तत्व पर्वत ने कहा है वही ठीक है जो वस्तु प्रत्यक्ष दिख रही है रौद्र ध्यान भी होता है, मतलब रौद्र ध्यान चार तरह के ध्यान बताए थे अच्छा रोद्रु रोद्रु द्यान द्यान शुक्ल ध्यान तो, तो तकलीफ दूसरे को तकलीफ देख के खुश होना इज रौद्र ध्यान तो वो क्या कहता है कि पर्वत ने जो कही है बात वही ठीक है जो वस्तु प्रत्यक्ष दिख रही है उसमें बाधा हो ही कैसे सकती है प्रत्यक्ष कैसे दिख रही थी क्योंकि महाकाल असुर ने अपनी माया से सबको दिखा दिया कि राजा जो है और रानी जो है स्वर्ग गई है तो अब जो देखने वाला है उसके लिए तो वो प्रत्यक्ष हो गई ना तो वो कह रहा है कि जो वस्तु तो प्रत्यक्ष दिख रही है उसमें बाधा हो ही कैसे सकती है इस पर्वत के बताई यज्ञ से ही राजा सगर अपनी रानी सहित स्वर्ग गया है जो दीपक स्वयं जल रहा है यानी स्वयं प्रकाशमान है भला उसे दूसरे दीपक की द्वारा कौन प्रकाशित करेगा इसलिए तुम लोग भय छोड़कर जो पर्वत कह रहा है वही करो वही स्वर्ग का साधन है इस प्रकार हिंसानंदी मतलब हिंसा में आनंद है ना और मृषानंदी मृषा म्रिशा मतलब झूठ बोल के आनंद मानने वाला जो रौद्र ध्यान है उसके द्वारा राजा वसु ने नरक आयु का बंद कर लिया तथा असत्य भाषण के पाप और लोक निंदा से नहीं डरने वाला राजा वसु ने उक्त वचन कहे उक्त वचन मतलब बताया आगे बताया जी रुक्मणी जी अपने हाथ रेस किया हाँ, नहीं अब समझ आया वो दस लाख में एक एक पूजा में वो हाँ है ना वो राजा वसु झूठ वो देती, न, देती नरक नरक, नरक गया स्वर्ग में, में नारद, नारद बिल्कुल ये समझ ही नहीं आती थी बात हाँ अब नहीं भूलेंगे बहुत अच्छा ठीक तो राजा वसु की यह बात सुनकर नारद और तपस्वी कहने लगे कि आश्चर्य है कि राजा के मुख से ऐसे भयंकर शब्द निकल रहे हैं है ना उन्होंने तो क्या सोचा था कि भाई हम हमें न्याय मिलेगा और राजा जो है वो प, नारद की सपोर्ट करेगा लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है ना क्योंकि जो सच को जानने वाले हैं उनको अगर झूठ सुनने मिल जाए तो कितना अजीब लगता है झूठ बोलने वाले को एक बार को आ, इतना नहीं फर्क पड़ता है ना उसे सच पता चल भी जाए तो उसे पता था कि वो झूठ का सहारा ले रहा है या दे रहा है लेकिन जिसको सच पता है और उसको झूठ के शब्द सुनने मिले तो उसको यकीन नहीं होता है ना तो उसको आश्चर्य हो रहा है कि ऐसी बात क्यों कह रहा है इसका कोई विषम कारण अवश्य है उसी समय आकाश गरजने लगा नदियों का प्रवाह उल्टा बहने लगा तालाब शीघ्र ही सूख गए लगातार रक्त की वर्षा होने लगी सूर्य की किरणें फीकी पड़ गईं, समस्त दिशाएं मलिन हो गईं, प्राणी भय से विहल होकर कांपने लगे बड़े जोर का शब्द करती हुई पृथ्वी फटकर दो टुक हो गई और राजा वसु का सिंहासन उस महागर्त में निमग्न हो गया निमग्न मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अंदर चला गया लेकिन नीचे धस गया है ना अभी तक तो ऐसा लगता था अधर में खड़ा है और अभी उसके झूठ बोलने के कारण और क्योंकि उसने हिंसा मार्ग का इतना बड़ा झूठ बोला था जिसकी वजह से बड़े खराब जो निमित्त ज्ञान वाले चिन्ह है वो दिखने लगे कि भाई सब तरफ से कुछ गलत हुआ है है ना इस तरह की बहुत बड़ा कुछ गलत हो गया क्योंकि आगे आने वाली अनेक सदियों में है ना अनेक वर्षों तक ये बात को यज्ञ में बलि की प्रथा चल पड़ी थी तो इसलिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया यह देखकर आकाश मार्ग में खड़े हुए देव और विद्याधर कहने लगे कि हे बुद्धिमान राजा वसु सनातन मार्ग का उल्लंघन कर धर्म का विध्वंस करने वाले मार्ग का निरूपण मत करो जिससे कि धर्म खत्म होता हो ऐसे मार्ग का निरूपण मतलब ऐसे मार्ग का कथन या कथन या कथा उसको स्टार्ट मत करो पृथ्वी में सिंहासन घुसने से पर्वत और राजा वसु का मुख फीका पड़ गया यह देखकर महाकाल के किंकर महाकाल के किंकर क्या महाकाल के सेवक तपस्वियों का वेश रखकर कहने लगे कि आप लोग भाई को प्राप्त न हो यह कह कहकर उन्होंने वसु का सिंहासन अपने आप के द्वारा उठाकर लोगों को दिखला दिया। तो वहां पर भी उन्होंने अपनी माया चला दी और सिंहासन को ऊपर उठा दिया राजा वसु यद्यपि सिंहासन के साथ नीचे धस गया था तथापि जोर देकर कहने लगा कि मैं तत्वों का जानकार हूं अतः इस उपद्रव से कैसे डर सकता हूं मैं फिर भी कहता हूं कि पर्वत के वचन ही सत्य हैं। इतना कहते ही वह कंठ पर्यंत मतलब गले तक पृथ्वी में धस गया उस समय साधुओं ने यानी तपस्वियों ने बड़े से यद्यपि प्रार्थना की थी कि हे राजन तेरी अवस्था असत्य भाषण से ही हुई है झूठ बोलने के कारण हुई है इसलिए इसे छोड़ दे तथापि तब भी वह अज्ञानी यज्ञ को ही सनमार्ग बतलाता रहा अंत में पृथ्वी ने उसे कुपित होकर ही मानो निगल लिया और वह मरकर सातवें नरक गया तो यहाँ तक राजा वसु की कहानी चल रही थी तदनंतर वह असुर जो महाकाल नाम का असुर था, वह जगत को विश्वास दिलाने के लिए राजा सगर और वसु का सुंदर रूप धारण कर कहने लगा वसु को भी हालांकि लग वह नरक गया था उसका भी रूप धर कर कहने लगा कि हम दोनों नारद का कहा न सुनकर यज्ञ की श्रद्धा से ही स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं इस प्रकार कहकर वह अदृश्य हो गया इस घटना से लोगों को बहुत स्वर्ग स्वर्ग गया है और कोई कहता था कि नहीं नरक गया है इस तरह विवाद करते हुए विश्व भू मंत्री अपने घर चला गया तदनंतर प्रयाग में उसने राजसूय यज्ञ किया जो मंत्री था उसने यज्ञ किया इस पर महापुर आदि नगरों के राजा मनुष्य की मूर्ता की निंदा करने लगे और परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा बतलाए मार्ग में तल्लीन होते हुए थोड़े दिन तक यूं ही रहे। इस प्रकार तो नारद जो था वो तो है ही है ना अभी तो उसको तो कुछ नहीं हुआ तो वो है अभी तो इस प्रकार नारद के द्वारा ही धर्म की मर्यादा स्थिर रह सकी है इसलिए सब लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके लिए गिरी तट नाम का नगर प्रदान किया तापस लोग भी दया धर्म का विध्वंस देख बहुत दुखी हुए और कली काल की महिमा समझ समझते हुए अपने अपने आश्रमों में चले गए कली काल मतलब कि खराब समय आने वाला है उसके कारण यह सब हो रहा है तो ऐसा सोचकर अपने अपने आश्रम में चले गए तदनंतर किसी दिन दिनकर देव नाम का विद्याधर आया नारद ने उससे बड़े प्रेम से कहा कि इस प्रकार पर्वत समस्त प्राणियों के विरुद्ध आचरण कर रहा है पनंग नामक नाग कुमार देवों को बुलाया और विघ्न करने का सब प्रपंच उन्हें यथा योग्य बतला दिया तो ये जो पूरी कहानी चल रही है ये क्या कहानी चल रही है अगर आपको याद हो तो जो दशरथ ने मंत्री से पूछा था ना कि भाई मुझे राम और लक्ष्मण को वहां भेजना चाहिए कि नहीं ये जो यज्ञ कर रहे हैं ये ठीक है कि नहीं है ना तो उन्हें ये कहा था कि भाई आ, असुर कुमार और नाग कुमारों में आपस में युद्ध होता है और वो ना, जो विद्याधर हैं और जो नाग कुमार जाती है वो यज्ञ में विघ्न डालती है है ना तो उसकी कहानी बता रहे थे कि क्यों विघ्न डालती है ठीक है तो जो विद्याधर था नारद के कहने पर विद्याधर ने कहा ठीक है मैं इसको अवश्य रोकूंगा जो ये यज्ञ कर रहे हैं विरुद्ध आचरण कर रहे हैं मैं रोकूंगा तो क्या किया विद्याधर ने नागकुमार देवों को बुलाया और कैसे विघ्न करना है ये सब बताया नागकुमार देवों ने भी संग्राम में दैत्यो को मार भगाया और यज्ञ में विघ्न मचा दिया विश्व मंत्री और पर्वत यज्ञ में होने वाला विघ्न देखकर शरण की खोज करने लगे अनायासी उन्हें सामने खड़ा हुआ महाकाल दिखा दिखते ही उन्होंने उससे यज्ञ में आने का सब समाचार कह सुनाया उसे सुनते ही महाकाल ने कहा कि हम लोगों के साथ द्वेष रखने वाले नाग कुमार देवों ने यह उपद्रव किया है नाग विद्याओं का निरूपण विद्या अनुवाद में हुआ है मतलब कि नाग की विद्याओं को कैसे काटा जा सकता है यह विद्यानुवाद नाम के शास्त्र में बताया है और क्या बताया है कि जिन बिंबों के ऊपर इनके विस्तार का निषेध बताया है कि जहां जिन बिंब होते हैं वहां इनकी शक्ति छीन हो जाती है किनकी शक्ति नागकुमारों की इसलिए तुम दोनों चारों दिशाओं में जिनेंद्र के आकार की सुंदर प्रतिमाएं रखकर उनकी पूजा करो और तदनंतर यज्ञ की विधि आरंभ करो है ना चार कोनों में सेफ्टी तरह से क्रिएट कर दी इस प्रकार महाकाल ने यह उपाय कहा और उन दोनों ने उसे यथाविधि किया तदनंतर विद्याओं का राजा दिनकर देव यज्ञ में विघ्न करने की इच्छा से आया और जिन प्रतिमाएं देखकर नारद से कहने लगा कि यहां मेरी विद्याएं नहीं चल सकती ऐसा कहकर वह अपने स्थान पर चला गया इस तरह वह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ और विश्व भूमंत्री तथा पर्वत दोनों ही आयु के अंत में मरकर चिरकाल के लिए नरक में दुख भोगने लगे, है ना उन्होंने धर्म का सहारा भी लिया तो किस लिए लिया हिंसा करने के लिए है ना तो उन्हें तो नरक में जाना ही था अंत में महाकाल अपना अभिप्राय पूरा कर जब सब लोग मर गए है ना अभिप्राय पूरा कर अपने असली रूप में प्रकट हुआ और कहने लगा कि मैं पूर्व भव में पोदनपुर का राजा मधु पिंगल था मैंने ही इस तरह सुलसा के निमित्त यह बड़ा भारी पाप किया है जिनेन्द्र भगवान ने जिस अहिंसा लक्षण धर्म का निरूपण किया है धर्मात्माओं को उसी का पालन करना चाहिए इतना कहकर वह अंतरनिहित अंतरहित हो गया मतलब कि चला गया और दया से आर्द्र बुद्धि होकर उसने अपनी दुष्चेष्टाओं का प्रायश्चित स्वयं ग्रहण किया मतलब इतना गलत जो किया उसने उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने गलत किया है।, है ना और खुद ही प्रायश्चित ले लिया मोह वश किए हुए पाप कर्म से निवृत्ति होना ही प्रायश्चित कहलाता है हिंसा धर्म में प्रवृत्त रहने वाले विश्वभू मंत्री जो था आदि समस्त लोग पाप के कारण नरक गति में गए और पाप से डरने वाले कितने ही लोगों ने सम्यक ज्ञान के धारक मुनियों के द्वारा कहा धर्म सुनकर पर्वत के द्वारा कहा मिथ्या मार्ग स्वीकृत नहीं किया तो पर्वत और विश्वभू मंत्री जो थे उन्होंने मिथ्या मार्ग चलाया काफी समय तक है ना तो लेकिन जो सम्यक ज्ञान के धारी थे जिनको पता था सही गलत का उन्होंने उस मिथ्या मार्ग को स्वीकृत नहीं किया और जिनका संसार दीर्घ था संसार मतलब अभी जिनका जिनकी लाइफ बाकी थी संसार ये नहीं कि लोग को संसार यहाँ पर नहीं कह रहे हैं अपने जन्म मरण को संसार कह रहे हैं तो जिनका अभी जन्म मरण बहुत बचा था ऐ? ऐसे कितने ही लोग उसी मिथ्या मार्ग में स्थित रहे आए इस प्रकार अतिशयती मंत्री के द्वारा कहा हुआ आगम सुनकर प्रथम मंत्री राजा तथा अन्य सभासद लोगों ने उस द्वितीय मंत्री की बहुत भारी स्तुति करी है ना तो यहाँ पर अब कहानी बताने का काम खत्म हो गया तो जब सब कुछ समझ में आ गया तो यहाँ पर वापस से राजा दशरथ जो उसको उसका मंत्री अतिशयती मंत्री जो सब कुछ बता रहा था सबने उसकी प्रशंसा की उस समय राजा दशरथ का महाबल नाम का सेनापति बोला कि यज्ञ में पुण्य हो चाहे पाप हम लोगों को इससे क्या प्रयोजन हम लोगों को तो राजाओं के बीच दोनों कुमारों का प्रभाव दिखलाना श्रेयस्कर है सेनापति की बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि अभी इस बात पर विचार करना है यह कहकर उन्होंने मंत्री और सेनापति को तो विदा किया और तदनंतर हित का उपदेश देने वाले पुरोहित से यह प्रश्न पूछा कि राजा जनक के घर जाने पर दोनों कुमारों का इष्ट सिद्ध होगा या नहीं पुरोहित मतलब जो निमित्त ज्ञानी है बेसिकली उनसे पूछा उत्तर में पुरोहित भी पुराणों और निमित्त शास्त्रों के कहे अनुसार कहने लगा कि हमारे इन दोनों कुमारों का राजा जनक के उस यज्ञ में महान ऐश्वर्य प्रकट होगा इसमें आपको थोड़ा भी संचय नहीं करना चाहिए इसके सिवाय एक बात और कहता हूं तो अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर अब रा, रानी जानकी सीता की कथा सुना रहे हैं वह यह है कि इस भरत क्षेत्र में मनु कुलकर जो तीसरे काल में कुलकर हुए वो तीर्थंकर तीन प्रकार के चक्रवर्ती कौन कौन चक्रवर्ती नारायण और प्रति नारायण ये दोनों कौन होते हैं अर्ध चक्रवर्ती होते हैं ना तो इसलिए इनको भी चक्रवर्ती में ले लिया तो तीन प्रकार के चक्रवर्ती और महाप्रतापी बलभद्र होते हैं ऐसा पुराणों के जानने वाले मुनियों ने कहा है तथा मैंने भी पहले सुना है हम उनको क्या कहते हैं यहाँ पर शलाका का पुरुष है ना और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं महाप्रतापी तो हमारे ये दोनों कुमार उन महापुरुषों में बलभद्र और नारायण होंगे तथा रावण को मारेंगे इस प्रकार भविष्य को जानने वाले पुरोहित के वचन सुनकर राजा संतोष को प्राप्त हुए कपट रूप बुद्धि को धारण करने वाले क्रूर परिणामी महाकाल ने क्रोधवश व संसार में शास्त्रों के विरुद्ध और अत्यंत पाप रूप पशुओं की हिंसा से भरे हिंसा में प्रवृत्ति चलाई इसी कारण से वह राजा वसु दुष्ट पर्वत के साथ हैं, उन पापियों के लिए नरक जाना कोई बड़ी बात नहीं है मोहनीय कर्म के उदय से जिसका हृदय शत्रुओं का छल समझने वाले विवेक से शून्य था ऐसा राजा सगर रानी सुलसा और विश्व मंत्री के साथ स्वयं हिंसा क्रियाएं कर अधोगति में जाने के लिए नष्ट हुआ क्या कह रहे हैं कि मोहनीय कर्म के उदय से मतलब उसके अंदर इतना ज़्यादा मिथ्या मतलब मोहनीय कर्म क्या करता है दो तरह का मोहनीय कर्म रहता है एक तो जो तुम्हारे मोह महामद बोलते हैं ना जैसे आ, ड्रिंक किया हुआ पर्सन होता है उसे सही गलत का नहीं समझ में आता राइट और एक उसके अंदर कशाई इतनी रहती है कि उसको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती तो उस मोहनीय कर्म के उदय से जिसका हृदय मतलब उसके अंदर में शत्रुओं का छल समझने वाले विवेक से शून्य था है ना? शत्रु जो महाबल था वो एक तरह से उसका शत्रु था है ना तो राजा सगर को ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये जो सामने है मेरा शत्रु है इतना विवेक उसके पास नहीं रहा किस लिए नहीं रहा था क्योंकि मोहनीय कर्म का उसका तीव्र उदय था ऐसा राजा सगर रानी सुलसा और अपने विश्व मंत्री के साथ हिंसा मई क्रियाएं कर अधोगति अधोगति मतलब नरक में जाने के लिए नष्ट हुआ सो जब राजा की यह दशा हुई तब तो जो अन्य साधारण मनुष्य अपने क्रूर परिणामों को नष्ट न कर व्यर्थी दुष्कर्म में तल्लीन रहते उनकी ऐसी क्या दशा नहीं होगी अर्थात अवश्य होगी तो ये किन की बात कर रहे हैं जो अन, अन अंधविश्वास में रहकर या फिर अज्ञान अवस्था में दूसरे को बलि चढ़ाता हुआ देखकर और ये सोचे कि हाँ ये ही सही मार्ग है बजाय ये जान के कि इसमें हिंसा हो रही है है ना अपना विवेक नहीं यूज कर रहा तो उससे मैटर नहीं करता कि अज्ञानता वश अगर कोई किसी की हत्या कर रहा है तो उसको दोष नहीं लगेगा है ना हत्या तो हत्या है दोष तो लगेगा भले ही थोड़ा कम लगेगा जो जानबूझ के करता है और जो अनजाने में करता है उसमें डिफरेंस आ जाता है तो लेकिन तो भी उसको कर्म का फल तो भूखना पड़ेगा जी कौ ये जो राजा सगर था इसने गलती राजा रानी के लिए गलत करके बोल लिया था या और भी कुछ किया था कुछ याद नहीं आ रहा हाँ ये स्वयं में था ना इसको हाल देखकर उससे करके हाँ तो इससे इसके बाद फिर जो इसने मधुपिंगल जो राजा था उसका अपमान करके उसे बाहर निकाल दिया था है ना उस झूठ बोले तो वो बना ना जो महाकाल बना हाँ जी हां। उसके बाद वो मतलब सगर ने यही गलती की थी ना ये सुल्सा के साथ जो करके उसने हाँ हां, सा हां।, हां। वही बता रहे हैं ना कि मोहनीय कर्म का उदय इतना तीव्र था कि एक रानी को एक मतलब अपने विवाह करने के लिए उसने दूसरे को इतना अपमानित किया कि उसने बैर बांध लिया कि मैं इससे बदला लूंगा उसका उसकी कमी यही थी कि उसको विवेक नहीं था कि वो सही गलत की पहचान क्या कर रहे हो तो अब क्या कह रहे हैं यहां पर जिसने अपने श्रेष्ठ आचार्य हित का कर, उपदेश दिया विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ कर जिसने साधुवाद यानी उत्तम प्रशंसा प्राप्त की जिसने बहुत भारी तप किया और जो विद्वानों में श्रेष्ठ था ऐसा श्रीमान नारद कृत, कृत कृत्य होकर सर्व सिद्धि गया तो ये जो पूरा चैप्टर था ये किस लिए था मिथ्या मार्ग की प्रवृत्ति को फैलाने वाला उसका वर्णन किया इसने है ना अब आगे अभी बचा है राम और लक्ष्मण का वर्णन अभी चल ही रहा है तो यहाँ पर क्या बताएंगे जानकी का जन्म कैसे हुआ ठीक है तो यहाँ पर भी कहानी जो है वो प्रचलित पद्म पुराण की कहानी से डिफरेंट है तो जो हमने पढ़ा था ना कि भामंडल और सीता दोनों भाई बहन थे और इस तरह से है ना तो यहाँ पर

देव ही है अभी सर्वार्थ सिद्ध हाँ 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 बिल्कुल हा। तदनंतर जिसके शब्द और अर्थ सुनने योग्य हैं तथा वाणी सारपूर्ण है ऐसा पुरोहित जो अभी महाराज दशरथ से बात कर रहा है ना उसकी कर, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उसको ऐसा पुरोहित महाराज आप यह कथा श्रवण करने के योग्य हैं इस प्रकार महाराज दशरथ को संबोधित कर अपने यश रूपी लक्ष्मी से दशों दिशाओं के मुख को प्रकाशित करने वाले रावण के भवान्तर कहने लगा उसने कहा कि घातकी खंड द्वीप के पूर्व भारत क्षेत्र में स्वर्ग लोक के समान आभा वाला एक पृथ्वी के गुणों से युक्त सार समुच्च नाम का देश है उसके नागपुर नगर में नरदेव नाम का राजा राज्य करता था वह किसी एक दिन अनंत नामक गणधर के पास गया उन्हें वंदना कर उसने उनसे धर्म कथा सुनी और विरक्त होकर भोगदेव नामक बड़े पुत्र के लिए राज्य दे दिया तथा संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरन किया। तपश्चरन करते समय उस ने कदाचित चपल वेग नामक के राजा को देखकर शीघ्र ही निदान कर लिया जब आयु का अंत आया तब सन्यास धारण कर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ तो कोई नरदेव नाम का राजा था उसकी बता रहे हैं कि उसने निदान कर लिया और फिर मरकर सन्यास पूर्वक मरकर सौधर्म स्वर्ग गया अतंतर इसी जंबुद्वीप के भारत क्षेत्र में जो विजयार्थ नाम का महान पर्वत है उसकी दक्षिण श्रेणी में मेघकूट नाम का नगर है उनमें राजा विनमी के वंश में उत्पन्न हुआ सहस्रग्रीव नाम का विद्याधर राज्य करता था उसके भाई का पुत्र बहुत बलवान था इसलिए उसने क्रोधित होकर सहस्त्रग्रीव को बाहर निकाल दिया था वह वहां से निकलकर लंका नगरी गया और वहां तीस हजार वर्ष तक राज्य करता रहा तो आ, आ, के में उत्पन्न हुआ को उसके भाई ने निकाल दिया तो वह लंका नगरी मतलब जो कि विद्यार्थ पर्वत पे नहीं है लंका नगरी बताया था हमने देखा था तो वह जम्बू द्वीप के एक द्वीप पर लंका नगरी थी है ना पाताल में हाँ है ना तो वहाँ पर पहुंच गया वो तो वहां पर उसने राज्य किया तो क्या बताया बेसिकली है, है विद्याधर ही लेकिन पर्वत पे ना रहकर लंका में रहता है है ना तो अब उसके पुत्र का नाम शतग्रीव था और सहस के बाद उसने उसने यानी शतग्रीव ने वहां पच्चीस हजार वर्ष तक राज्य किया था उसका पुत्र पंचाशत ग्रीव था उसके भी शतग्रीव के बाद बीस हजार वर्ष तक पृथ्वी का पालन किया था तदनंतर पंचाशत ग्रीव के पुलत्स नाम का पुत्र हुआ उसने भी पिता के बाद पंद्रह हजार वर्ष तक राज्य किया उसकी स्त्री का नाम मेघश्री था उन दोनों के वह देव देव मतलब जो अभी बताया ना, जो जिसने निदान कर लिया था वह देव रावण नाम का पुत्र हुआ चौदह हजार वर्ष की उसकी उत्कृष्ट आयु थी पिता के बाद वह भी पृथ्वी का पालन करने लगा एक दिन लंका का ईश्वर रावण अपनी स्त्री के साथ क्रीडा करने के लिए किसी वन में गया था वहां विजार्थ पर्वत के साथ के स्थालक नगर में राजा अमित वेग की पुत्री मणिमती विद्या सिद्ध करने में तत्पर थी उसे देखकर चंचल रावण काम और मोह में वश हो गया तो वो जो विद्याधरी विद्याधर की पुत्री थी मणिमती वह विद्या सिद्ध कर रही थी उस कन्या को अपने अधीन करने के लिए उस दुष्ट ने मणिमती की विद्या हरण कर ली वह कन्या उस विद्या की सिद्धि के लिए बारह वर्ष से उपवास का क्लेश उठाती अत्यंत दुर्बल हो गई थी। की सिद्धि में विघ्न होता देख वह विद्याधरों के राजा पर बहुत कुपित हुई कुपित होकर उसने निदान किया कि मैं इस राजा की पुत्री होकर इस दुर्बुद्धि का वध अवश्य करूंगी ऐसा निदान कर वह आयु के अंत में मंदोदरी के गर्भ में उत्पन्न हुई मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सीता एक तरह से रावण की ही पुत्री थी जब उसका जन्म हुआ ये और जगह भी पढ़ा है मैंने कहीं ऐसा हाँ, हाँ, सुनने में आता है ना तो ये वही इसीलिए सुनने में आया होगा क्योंकि आचार्य गुणभद्र जी ने इस तरह की कथा बताई है जब उसका जन्म हुआ तब भूकंप आदि बड़े बड़े उत्पात हुए उन्हें देखकर निमित्त ज्ञानियों ने कहा कि इस पुत्री से रावण का विनाश होगा यद्यपि रावण निर्भय था तो भी निमित्त ज्ञानियों के वचन सुनकर अत्यंत भयभीत हो गया उसने उसी क्षण मारीच नामक मंत्री को आज्ञा दी कि इस पापिनी पुत्री को जहां कहीं जाकर छोड़ दो मारीच भी रावण की आज्ञा पाकर मंदोदरी के घर गया और कहने लगा कि हे देवी मैं बहुत ही निर्दयी हूं अतय महाराज ने मुझे ऐसा काम सौंपा है यह कह उसने मंदोदरी के लिए रावण की आज्ञा निवेदित की यानी सूचित की मंदोदरी ने भी उत्तर दिया कि मैं महाराज की आज्ञा का निवारण नहीं करती हूँ मतलब नहीं रोकती यह कहकर उसने एक संदूकची में मतलब एक बॉक्स में बहुत सा द्रव्य द्रव्य मतलब जो पैसा और ज्वेलरी वगैरह रख कर उस पुत्री को रखा और मारीची से बार बार यह शब्द कहे कि हे मारीच तेरा हृदय स्वभाव से ही स्नेहपूर्ण है अतः इस बालिका को ऐसे स्थान में छोड़ना जहां किसी प्रकार की बाधा न हो ऐसा कह उसने जिनसे अश्रु झर रहे थे ऐसे दोनों नेत्र पोंछकर उसके लिए पुत्री सौंप दी मारीची ने ले जाकर वह संदूक मिथिला नगरी के उद्यान में निकट के निकट किसी स्थान में जमीन के भीतर रख दी और स्वयं शोक से विषाद करता हुआ लौट गया उसी दिन कुछ लोग घर बनवाने के लिए जमीन देख रहे थे कि वे हल चलाकर उसकी नोक से वहां की भूमि ठीक कर रहे थे उन्होंने इसे आश्चर्य समझ राजा जनक के लिए इसकी सूचना दी राजा जनक ने उस संदूकची के भीतर रखी हुई सुंदर कन्या देखी और पत्र में उसके जन्म का सब समाचार तथा पूर्वापुर का संबंध याद किया तब नंतर उसका सीता नाम रखकर यह तुम्हारी पुत्री होगी यह कहते हुए उन्होंने बड़े हर्ष से वह पुत्री वसुधा रानी के लिए दे दी रानी वसुधा ने भूमि ग्रह के भीतर रहकर उस पुत्री का पालन पोषण किया भूमि के भीतर क्यों रखी ताकि किसी को पता ना चले कि यह अभी जीवित है तथा उसके कला रूप गुणों की वृद्धि की है यह कन्या इतनी गुप्त रखी गई है कि लंकेश्वर रावण को इसका पता भी नहीं है इसके सिवाय राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं यह खबर भी रावण को नहीं है पुरोहित है वो कहानी सुना रहे हैं राइट तो वो क्या कह रहे हैं कि इस तरह से बड़ी हुई है ये राजा जनक की पुत्री ठीक है कैसे उनको मिली और कैसे बड़ी हो गई और रावण तक इसकी भनक भी नहीं है और राजा जनक जो यह यज्ञ कर रहे हैं इसका भी रावण को पता नहीं है इसलिए वो इस उत्सव में नहीं आएगा ऐसी स्थिति में राजा जनक वह कन्या राम के लिए अवश्य देंगे इसलिए राम और लक्ष्मण ये दोनों ही कुमार वहां अवश्य ही भेजे जान के योग्य हैं इस प्रकार निमित्त ज्ञानी पुरोहित के कहने से राजा सेना के साथ राम और लक्ष्मण को भेज दिया राजा ने है ना अनुराग से भरे हुए राजा जनक ने उन दोनों की आगवानी की पूर्व जन्म के संचित अपने अपरिमित पुण्य के उदय से जो इन्हें रूप आदि गुणों की संपदा उत्पन्न प्राप्त हुई है उससे ये सचमुच ही अनुपम है यानी उपमा रहित है इस प्रकार प्रशंसा करते हुए नगर के लोग जिन्हें देख रहे हैं ऐसे दोनों भाई साथ ही साथ नगर में प्रवेश कर राजा जनक के द्वारा बतलाए हुए स्थान पर सुख से ठहर गए कुछ दिनों के बाद जब अनेक राजाओं का समूह आ गया तब उनके सन्निधान में राजा जनक ने अपने इष्ट यज्ञ की विधि पूरी की और बड़े वैभव के साथ रामचंद्र के लिए सीता प्रदान करी। होता है उनके प्रेजेंस में। रामचंद्र जी ने कुछ दिन तक लक्ष्मण के लक्ष्मी के समान सीता के साथ वही जनकपुर में नए प्रेम से उत्पन्न हुए सातिश सुख का उपभोग किया मतलब कि कुछ समय वो वहीं पर रहे और सीता के साथ hmm. आ, कुछ पूछ रहे हैं हीरा जी नहीं नहीं हाँ। तदनंतर राजा दशरथ के पास आए हुए मंत्रियों के कहने से रामचंद्र जी ने राजा जनक की आज्ञा ले शुद्ध तिथि में परिवार के लोग सीता तथा लक्ष्मण के साथ बड़े हर्ष से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया और शीघ्र ही वहां पहुंच गए वहां पहुंचने पर दोनों छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न ने बंधुओं तथा परिवार के लोगों ने उनकी आगवानी की आगवानी की मतलब उनकी उनका वेलकम किया जिस प्रकार इंद्र बड़े वैभव के साथ अपनी नगरी अमरावती में प्रवेश करता है उसी प्रकार विजयी रामचंद्र जी ने बड़े वैभव के साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया वहां उन्होंने प्रसन्न चित्त के धारक माता पिता के दर्शन यथा योग्य प्रेम से किए तदनंतर जिनकी लक्ष्मी उत्तरोत्तर बढ़ रही है ऐसे रामचंद्र जी सीता तथा छोटे भाइयों के साथ सुख से रहने लगे उसी समय अपने द्वारा उनके उत्सव को बढ़ाता हुआ वसंत ऋतु आ पहुंचा कोयलों और वसंत ऋतु सबको मालूम होगा ना स्प्रिंग सीजन आ गया कोयल कोयल जो होती है ना ब्लैक कलर का पक्षी है ना सुंदर बोलने वाला सबको मालूम ही होगा कोयल और भ्रमरो के समूह जो मनोहर शब्द कर रहे थे वही मानो उसके नगाड़े थे वह समझ दिशाओं को सुशोभित कर रहा था जो कामदेव तपोधन साधुओं के साथ संधि करता है और शिथिल व्रतों शिथिलाचार्यों के साथ विग्रह रखता है विग्रह मतलब दूर रहना और संधि मतलब पास आना है ना उस कामदेव के साथ वह वसंत ऋतु अपना खास संबंध रखता था क्या कह रहे हैं जो कामदेव तपोदन यानी साधुओं के साथ संधि करता है और शिथिल व्रतों शीतलाचार्यों के साथ विग्रह करता है उस कामदेव के साथ वह वह वसंत वसंत अपना खास संबंध रखता था। कामी मनुष्यों का मान खंडित करता था विरही मनुष्यों को अत्यंत दंड देता था और संयुक्त मनुष्यों को परस्पर में संबद्ध करता था मतलब कि एक तरह से बता रहे हैं कि हर तरह के मनुष्य जो हैं उनके ऊपर वसंत का क्या प्रभाव पड़ता था जो काम ही है उनका मान खंडित हो जाता था क्योंकि उनको लगता था कि हम किसी के अधीन नहीं है लेकिन वो भी मतलब दंड एक तरह से और ज्यादा उनको अकेलापन चुपता था तो दंड देता था और संयुक्त जो सबके साथ रहते थे उनको और ज्यादा जोड़कर रखता था इस प्रचंड शक्ति वाले वसंत ऋतु ने संसार में प्रवेश किया बसंत ऋतु के आते ही वन में जो उत्तम वनस्पतियों की जातियां थी उनमें से कितनी ही अंकुरित हो और कितनी ही अपने पल्लवों से सानुराग हो हो मतलब कि अनुराग के सहित हो कितनी ही वनस्पतियों पर कलियां आ गई थी और कितनी ही वनस्पतियां जिनके प्राण वल्लभ अपनी अवधि के भीतर आ गए ऐसी स्त्रियों के समान फूलों के समूह से निरंतर हंसने लगी आपस में एक तरह से वनस्पतियों को मनुष्य की संज्ञा देकर बताया है कि किस तरह से वो बिहेव कर रही थी उस समय चंद्रमा का मंडल बर्फ के पटल से उन्मुक्त होने के कारण अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता था और सब दिशाओं में शोभा बढ़ाने वाली अपनी चांदनी फैला रहा था दक्षिण दिशा का वायु शेर सुगंधी को लेकर फूलों से उत्पन्न हुई पराग को बिखेरता हुआ सरोवर के जल के कणों के साथ बह रहा था उसी समय अतिशय कुशल राजा दशरथ ने श्री जिनेन्द्र देव की पूजा पूर्वक अन्य सात सुंदर कन्याओं के साथ रामचंद्र का पहली तो सीता हो गई और बाकी और सात कन्याओं के साथ तथा पृथ्वी देवी आदि सोलह राजकन्याओं के साथ लक्ष्मण का विवाह किया था तदनंतर राम और लक्ष्मण दोनों भाई समस्त ऋतुओं में उन स्त्रियों के साथ प्रेम पूर्वक सुख प्राप्त करने लगे और वे स्त्रियां उन दोनों के साथ प्रेम पूर्वक सुख का उपभोग करने लगी सो ठीक ही है क्योंकि पुण्य बाह्य हेतुओं से ही सुख का देने वाला होता है मतलब कि पुण्य का भोग कैसे करते हैं बाह्य हेतुओं मतलब बाह्य जो कारण है पुण्य का होना अंतरंग कारण हो गया कि आपके पुण्य का उदय है साता वेदनीय का उदय चल रहा है, है ना लेकिन वह वे साता वेदनीय कैसे फल देगा बाह्य कारण होना जरूरी है तो बहाय हेतुओं से ही सुख का देने वाला होता है है ना तो अच्छी स्त्री का मिलना अच्छे धन का मिलना, अच्छी सेहत का मिलना ये सब पुण्य है लेकिन उसका भोग कैसे करेंगे शरीर से, परिवार से है ना तो इसलिए बाहे हेतु ये सब चीजें हो जाती है इस प्रकार पुण्योदय से श्रेष्ठ सुख का अनु अनुभव करने में तत्पर रहने वाले दोनों भाई किसी समय अवसर पाकर राजा दशरथ से इस प्रकार कहने लगे कि काशी देश में वाराणसी नाम का उत्तम नगर हमारे पूर्वजों की परंपरा से ही हमारे अधीन चल रहा है परंतु वह इस समय स्वामी रहित हो रहा है यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों उससे बढ़ते हुए वैभव से युक्त कर दें उनका कहा सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि भरत आदि तुम दोनों का वियोग सहन करने में असमर्थ हैं। पूर्व काल में हमारे वंशज राजा इसी अयोध्या में रहकर ही चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहे हैं जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा यद्यपि एक स्थान में रहते हैं तो भी उनका तेज सर्वत्र व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार आप दोनों का तेज एक स्थान में स्थित होने पर भी समस्त पृथ्वी मंडल में व्याप्त हो रहा है इसलिए वहां जाने की क्या आवश्यकता है मत जाओ यद्यपि महाराज दशरथ ने उन्हें बनारस जाने से रोक दिया था तो भी वे पुनः इस प्रकार कहने लगे कि महाराज का हम दोनों पर जो महान प्रेम है वही हम दोनों के जाने में बाधा कर रहा है जब तक का होना संभव है और जब तक पुण्य की स्थिति बाकी रहती है तब तक अभ्युदय के इच्छुक पुरुष उत्साह की तत्परता को नहीं छोड़ते मतलब कि और ज्यादा अभ्युदय मतलब भोग है ना भोगों की इच्छुक पुरुष उत्साह की तत्परता को नहीं छोड़ते जो राजपुत्र विरुद्ध शत्रु को जीतना चाहते हैं उन्हें बुद्धि शक्ति उपाय विजय गुणों का विकल्प और प्रजा अथवा मंत्री आदि प्रकृति के भेदों को अच्छी तरह जानकर महान उद्योग करना चाहिए उनमें से बुद्धि दो प्रकार की कही गई है एक स्वभाव से उत्पन्न हुई और दूसरी विनय से उत्पन्न हुई मतलब बुद्धि एक तो अपनी और दूसरी दूसरे के कारण दूसरी विनय से उत्पन्न हुई और शक्ति अब एक एक का एग्जाम्पल दे रहे हैं बुद्धि क्या है दो प्रकार की बताई है एक स्वभाव से उत्पन्न हुई और दूसरी विनय से शक्ति तीन प्रकार की एक मंत्र शक्ति दूसरी उत्साह शक्ति और तीसरी प्रभुत्व शक्ति ठीक है तो ये राज्य चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उनका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सहायक साधन के उपाय देश विभाग काल विभाग और बाधक कारणों का प्रतिकार इन पांच अंगों के द्वारा मंत्र का निर्णय करना आगम में मंत्र शक्ति बतलाई गई है मतलब कि तीन शक्तियां जो बताई उसमें मंत्र शक्ति क्या है कि किस तरह से राज्य का चलाना राज्य को चलाना कि साधनों के सहायक साधन के उपाय देश विभाग काल विभाग मतलब समय को जानकर बाधक कारणों को दूर करके इन पांच अंगों के द्वारा मंत्र का निर्णय करना आगम में मंत्र शक्ति बतलाई गई है शक्ति शक्ति के जानने वाले शूरवीरता से उत्पन्न हुए उत्साह उत्साह को मानते हैं। मतलब कि जो शूरवीर हैं उनके अंदर जो उत्साह है वो उत्साह शक्ति राजा के पास जो खजाना है और दंड यानी सेना की जो अधिकता होती है उसे प्रभुत्व शक्ति कहते हैं जो राजा को राज्य करने के लिए तीन शक्तियों का होना जरूरी है ठीक है बुद्धि दे दी बुद्धि एक क्या बता दी बुद्धि स्वभाव से उत्पन्न हुई और दूसरी विनय से उत्पन्न हुई ठीक है शक्ति तीन बता दी और तीनों को एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद उपाय फिर विजय फिर गुणों का विकल्प ये सब हम और एक बार फिर से कल दोबारा से पढ़ सकते हैं यहां से है ना क्योंकि ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है आ, कि राजा को क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए है ना तो इसको हम कल देख सकते हैं एक बार और यहाँ तक के लिए किसी को कोई प्रश्न बुद्धि बुद्धि कैसे उत्पन्न होती है हाँ, बताया हाँ, तो अभी ये सिर्फ है कि हाँ, बुद्धि दो तरह से हो सकती है एक तो स्वभाव से नेचुरल जो इंटेलिजेंट हो हाँ, है ना और एक दूसरे की विनय से मतलब कि जैसे राजा है तो विनय करके विवेक कह सकते हैं उसे है ना अच्छा। हाँ अपना दिमाग लगा सकता है मत, मतलब कम बुद्धि हो उसको ज्यादा राजा को ऐसी बुद्धि जरूरी है जो विनय अच्छा। से हो मतलब राजा अपनी विनय को नहीं खो सकता नहीं तो अगर मानी राजा होगा क्रोधी राजा होगा है हाँ। ना तो वो अच्छे से राज्य नहीं चला सकता विनयशील राजा होगा तो बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है ये राजा लेके लिए ले, ले, राजाओं के लिए बता रखा है लेकिन कॉमन में भी ये बात कोमन में भी अप्लाई होगी बिल्कुल है ना जो, जो दूसरे को जीतना चाहता है तो उसे विनय पूर्वक ही जीत सकता है बजाय क्रोध से बिल्कुल हाँ, सही हुँ, हुँ, तो ये बता रहे हैं कि राजपुत्र जो दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहते हैं उन्हें क्या क्या यूज करना आना चाहिए आ, हुँ, हुँ, तो अगर हम भी अपने दूसरे किसी को जीतना चाहते हैं तो हमें भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए विवेक के साथ बराबर बराबर है ना बिल्कुल बढ़िया और किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक ठीक है जिनवानी स्तुति जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हु हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन जो तेरा शरण आ गही सो पावे सुख चैन नौ बर्ण मुकरमन

सबी हाँ जी आज श्रुद्ध पंचमी भी है ना हाँ सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभकामनाएं सबको सभी को शुभकामनाएं इसकी वजह से आज हम ये सब पढ़ पा रहे हैं तो शुद्ध ज्ञान जो है हमारे लिए हाँ जी उन्हीं तब से हमारे शास्त्र चलते आ रहे हैं है ना और ये शास्त्र नहीं होते तो शायद आज ये क्लास पे नहीं रहतेम्पोसिबल चलिए सभी को जय जी, जी, ने... जी, 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 शाम, जी को ने शाम को है ना शाम को है आज क्लास है आज साढ़े आठ बजे पे हाँ. हाँ.